देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं चीमा जी अप्पा ग्राउंड में, जहां चल रहा है भव्य टूर्नामेंट। लायंस क्लब एफआरडी कमेटी वसई की तरफ से यह टूर्नामेंट कराया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में जीतने वाले को मिलेगा 1,00,000 रुपए का प्राइज व ट्रॉफी, और सेकंड प्राइज 50,000 रुपया और ट्रॉफी, और तीसरा प्राइज 25,000 रुपया और ट्रॉफी दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 24 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से 12 वसई की थी और 12 मुंबई की। दो दिन तक चले इस टूर्नामेंट का उद्घाटन डॉक्टर अजीत जैन व पीडीजी एमजेएफ व पीडीजी एमजेएफ लॉयन चंद्रशेखर के हाथों संपन्न हुआ, जहां वसई के चारों लायंस क्लब के सदस्य लायंस क्लब ऑफ वसई, लायंस क्लब ऑफ वसई पल, लायंस क्लब ऑफ वसई रोल मानिकपुर व लायंस क्लब ऑफ वसई यूनिक के सदस्य भी यहां उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर अजीत जैन और लायन चंद्रशेखर व लायन श्रद्धा मोरे क्या कह रही हैं, आए सुनते हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है 3231A3 लायंस का डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पांडवा से लेके तलासरी तक है। यहाँ पे जो वसई एरिया है, यहाँ पे वसई की चार क्लब हैं। ये चार वसई की जो चार क्लब है, लायंस क्लब ऑफ वसई, लायंस क्लब वसई यूनिक, वसई मणिपुर, वसई पल, ये चारों क्लब मिलकर के आज एक एफआरडी प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, जो कि दो दिन का टूर्नामेंट है, जिसमें 24 क्रिकेट टीम जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लायंस क्लब ऑफ वसई की जो चार क्लब मिला के करीब 250 से 300 लायन मेंबर्स हैं। उन्होंने कोशिश की है कि एक अच्छा सा बढ़िया सा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके एक अच्छा सा टीम वर्क क्रिएट किया जाए, एंड एक अच्छा एफआरडी कलेक्शन हो, जिससे ये आगे जाकर के वसई और आजू बाजू के तालुका के लिए कुछ अच्छा मदद करना चाहते हैं। कुछ परमानेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकें, कुछ चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर बना सकें, डायलिसिस मशीन लगा सकें, इंक्यूबेटर वार्मर जैसे प्रोजेक्ट्स कर सकें, एंड ऐसे कुछ परमानेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकें। इसके लिए एक माध्यम उन्होंने बनाया है, एक स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन का, जिसमें वसई और आसपास के एरिया के 24 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं लाइन्स पर हूँ वसई के, और यहाँ के चारों क्लब जन लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ इस एफर्ट्स के लिए। यहाँ से जो 24 टीम है, उसमें से भी काफ़ी लोग लायंस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड लोगों में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन जाएगा कि हाँ भाई चलो स्पोर्ट्स के माध्यम से भी हम एक फिट इंडिया मूवमेंट, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का मूवमेंट है, उसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि एक अच्छा स्वास्थ्य लोगों में बना रहे, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी स्पोर्ट्स इज द बेस्ट एक्टिविटीज़ जो हम कहते आते हैं, कि जितना अच्छा आप स्पोर्ट्स करोगे, जितना खेलोगे, उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा, एंड उतना ही आप लोग सब मिल करके एक आपसी जो प्यार की भावना है वो भी क्रिएट होती है। एक कॉम्पिटिशन के अंदर साथ में एक टीम बिल्ड होता है, एंड यही विचारों के साथ में हमारे जो लायंस क्लब के सभी मेम्बर्स जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, उन सबका यही है कि भाई दो दिन के खेल कूद के माहौल में हम एक अच्छा वातावरण क्रिएट करें, अच्छा फंड क्रिएट करें, और ताकि हम जो है हमारे आसपास के एरिया के लिए बहुत अच्छी सेवा का काम कर सकें। वैसे कि इन चारों क्लबों ने मिलकर इसके पहले भी एफआरडी की है, हर साल अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। इस साल ये क्रिकेट मैचेस के जरिए एफआरडी करने की कोशिश की है, और मैं चारों क्लबों को बहुत बहुत शुक्राना कि ये प्रोग्राम और ये इनकी क्रिकेट मैचेस बहुत ही सुंदर और यहाँ बहुत ही लोकप्रिय है, और हर साल की तरह यहाँ इस बार भी ये एफआरडी बहुत सक्सेसफुल है। मेरे इन चारों क्लब्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस सैटेलाइट सर्विस वीक में इस सैटेलाइट के एरिया में जो भी कार्य हो रहे हैं, उसमें इन सभी ने जो अपना अपना योगदान दिया है, उसके लिए बहुत सराहनीय इन सभी क्लब, और ये चारों क्लबों के सारे मेम्बर जो आज यहाँ हाजिर हैं, उन सभी को एक बार फिर सैटेलाइट सर्विस वीक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। लायंस क्लब ऑफ इंडिया एक एनजीओ है, हम लोग सर्विस करते हैं टूवर्ड्स द सिल्वर क्लास नीडी पीपल, और उसके लिए हमको फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये फंड रेजिंग ड्राइव है, एफआरडी मींस फंड रेजिंग ड्राइव। तो हम लोग वैसे के चार क्लब मिलके हर साल ये ड्राइव करते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इस साल हमने सोचा कि यूथ को भी हमारे तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर 24 टीम खेल रही है,
उसमें से 12x24 और उनके साथ में उनके फ्रेंड्स रिलेटिव सब लोगों को लायंस के लायंस का इमेज बिल्डअप होना चाहिए, इसके लिए हम लोग ने क्रिकेट इमेज। तो कितना उम्मीद है फंड रेजिंग होने का? फंड रेजिंग का उम्मीद ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग हमको कुछ ना भी मिले, बट लायंस का नाम हो जाएगा, हम लोग की एक लायंस इमेज हो जाएगी, क्योंकि लोगों के लिए ये नया है, इसलिए हो सकता है कि हमें ज़्यादा फायदा नहीं हो, लेकिन अगर लायंस के प्रति हमारे मेंबर्स भी बढ़ते हैं या हमारा जो कार्य है वो लोगों तक पहुंचता है तो वो भी मेरे लिए काफ़ी। और मैं डिस्ट्रिक्ट 3231A3 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर अजीत जैन का आभार करूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया इस इवेंट के लिए। ये जो भी क्लब्स हमें स्पॉन्सर करेंगे उनको SSW मतलब सैटेलाइट सर्विस भी होता है हमारा जनवरी में, 5th January to 12th, 13th January तक है उसके, उसमें ये उन्होंने कहा है कि काउंट हो जाएगा। और मैं डिस्ट्रिक्ट के सुनील पतोड़िया जी, हमारी सरस्वती शंकर मैडम जी और हमारे हेमराज सेठिया जी के भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, डिस्ट्रिक्ट के सपोर्ट के बिना ये इवेंट पॉसिबल नहीं था। थैंक यू फॉर डिस्ट्रिक्ट 3231A3 और मेरे गवर्नर फर्स्ट VD जी, सेकेंड VD जी और मेरे DG और चंद्रशेखर भाग जी जो यहाँ पर सुबह सुबह आए हैं, हमारे हमारा उत्साह इन्होंने बहुत बढ़ाया है, उसके लिए मैं उनकी भी आभारी हूँ। नेहा बांदेकर हमारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी है, शी हैज ऑलवेज हेल्प अस अट्रैक्ट द क्लब्स एंड इन्फॉर्मेशन, सो थैंक्स टू हर ऑल्सो, थैंक्स टू एवरीबडी एंड थैंक्स टू माई FRD मेंबर हू हैव टेकन ग्रेट अफोर्ड टू दिस इवेंट, थैंक यू एवरीबडी एंड बेस्ट ऑफ लक। आमचे भवितव्य असेल आणि आमच्यातील प्रत्येक जण त्याचा मान आणि वैभव वाढविण्यासाठी सदैव प्रयत्नशील राहील, ज्या योगे आमचा ध्वज साऱ्या विश्वात गौरवाने व अभिमानाने फडकत राहील। धन्यवाद। आपका अपना चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, एक अच्छा टूर्नामेंट नए साल में आपको देखने को मिलता हुआ पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में टूर्नामेंट का। इस टूर्नामेंट में न्यू मुंबई की टीम ट्रिडियंट 11 ने जीत हासिल कर 1,00,000 का प्राइज और ट्रॉफी जीत ली। वहीं दूसरे नंबर पर रही पापड़ी वसई की टीम यंग स्टार, जिन्हें 50,000 रुपये वार ट्रॉफी दी गई। इसी प्रकार तीसरे नंबर पर अन्नारा विरार की साइनाथ टीम रही, जिन्हें 25,000 रुपये का इनाम व ट्रॉफी दी गई। सामाजिक क्षेत्रामध्ये इतर जे व्यक्ती आहेत ते पण सुद्धा समाज कार्य करतात आणि त्यांचाही सत्कार करणं, त्यांना शाबासकी देणं, त्यांना प्रोत्साहन देणं की तुम्ही हे पुढे कार्य तुम्ही करत आहात, त्यासाठी आम्ही येथे बक्षीस समारंभाचा आयोजन केलं आहे। आता एक क्षेत्र म्हटलं तर आम्ही चार क्षेत्र निवडले आहेत, कला साहित्य खेळ आणि समाज सेवा, याच्यामध्ये या व्यक्तींनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम केलं आहे लोकांसाठी, त्याचा सत्कार आम्ही हा येथे करणार आहोत। इस प्राइज वितरण समारोह में समाज में कुछ अच्छा कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया, जिनमें वरिष्ठ शिक्षक दीपक मधुर नायक विशेष रूप से आमंत्रित थे। क्रिकेट क्षेत्र में सुश्री मनाली किशोरी दक्षिणी उपस्थित हुई। कला क्षेत्र के लिए सुभाष गोंधले व सामाजिक कार्य क्षेत्र के लिए लिस्बॉन फेरो व सुजैन फेरो को सम्मानित किया गया।
इस प्राइज वितरण समारोह में मुख्य रूप से पीडीजी लायन उदय कुमार विंजनेकर व पीडीजी एमजेएफ प्रशांत पाटिल विशेष रूप से उपस्थित हुए।